नमस्ते फ्रेंड्स, मोना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे एक्सरसाइजेज रहेंगे, ये हमारे एक्स्ट्रा फैट बर्निंग के ऊपर एक्सरसाइजेज रहेंगे। इन एक्सरसाइजेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बड़ा हुआ जो टोन है, मीन्स एक्स्ट्रा टमी का फैट, वो तो बर्न होगा ही। साथ में हमारा लेग्स का एक्स्ट्रा फैट, थाइस का एक्स्ट्रा फैट, साथ में हमारा आर्म पिट का जो एक्स्ट्रा फैट है, अपर बॉडी का, साइड वेस्ट का एक्स्ट्रा फैट, जहाँ जहाँ जो है लगता है कि हमारे मसल्स जो है अच्छे टोन में नहीं है, या फिर हमारे कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है या फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए। फिर देखिए कितनी जल्दी जो है आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ में जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जो है आज का हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है पूरा देखना है, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो भूलने वाले जो एक्सरसाइज है वो मिस हो जाएंगे। एंड अगर आपने चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें एंड चैनल के साथ जुड़े, एंड जिससे क्या होगा कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे, हर वीडियो आप देख पाएंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो रहेगा, आपने क्या करना है, वॉल का सपोर्ट लेते हुए आपने इस तरह से खड़े हो जाना है। ठीक है, इस तरह से खड़े होते हुए क्या करना है, आपने एक लेग को इस करते हुए आगे की तरफ ले जाते हुए पीछे ले जाए, आगे ले आए, फिर पीछे ले आए। ठीक है, इतना आपका गैप होना चाहिए। एक हैंड को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, दूसरे को स्ट्रेट करना है। तो इस तरह से हम काउंट करेंगे, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, same repetition other side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, होल्ड। इससे क्या होगा, एक तो हमारा बैक पोस्चर इंप्रूव होगा, बैक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बैलेंस इंप्रूव होगा, एंड लेग्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। हेड को थोड़ा सा डाउन करें, डाउन करते हुए होल्ड, थोड़ा सा बैक जाते हुए वापस। तो हमने ये एक्सरसाइज किया, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम वॉल का सपोर्ट लेते हुए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अपने इस एक्सरसाइज के क्या करना है, आपने 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा, आपने क्या करना है, कमर में हाथ रखते हुए जो है इस तरह से हाथ रख ले, थोड़ा सा एज में आ जाए इस तरह से, एंड हम अपने पैरों के सपोर्ट से करेंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hold. Same repetition other side, दूसरी साइड से करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hold, 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 hold। इससे बैलेंस इंप्रूव होगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा एंड स्टैमिना भी इंप्रूव होगा। तो आपने इस एक्सरसाइज के क्या करना है, 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज रहेगा, आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो तो ताड़ासनासन पोजिशन में स्ट्रेच करें, एंड दूसरे हैंड को अप करते हुए इस तरह से डाउन, एंड हैंड को उठाते हुए साइड से इस तरह से बैलेंस बनाएं। ऐसे क्या होगा कि हमारा साइड वेस्ट का जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। इस तरह से जो है ताड़ासनासन से होते हुए एक ताड़ासनासन करेंगे एंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापिस सेम पोजिशन में स्ट्रेट रहते हुए वापिस आना है। एंड उसी तरह से हम, जैसे अभी हमने राइट टू लेफ्ट किया, तो उसी तरह से हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। इससे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा। हैंड्स को अप करते हुए जो है इस तरह से बेंडिंग करें, स्ट्रेच लेग्स में बिल्कुल स्ट्रेच रखना है, बेंड नहीं करना है, अपर बॉडी को बेंड करना है गर्दन के साथ। इस तरह से बेंडिंग करें, इससे हमारा साइड वेस्ट का एक्स्ट्रा फैट, हिप्स का एक्स्ट्रा फैट वन होगा, आर्म्स फीट का एक्स्ट्रा फैट वन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। होल्ड फॉर 20 सेकेंड। 1, 2, 3, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट रखें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20। 20 में सीधा ऊपर की तरफ हैंड करते हुए डाउन। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इससे क्या हुआ कि आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे जो टायर बन जाते हैं साइड वेस्ट में वो कम होगा। रेगुलर प्रैक्टिस करें, स्किप ना करें, इसके जो सेट्स हैं उनको बढ़ाएं। तो हर सेट जो है 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड उसको कंप्लीट करना है। जितना ज़्यादा इसके टाइमिंग बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा। स्टार्टिंग में जो है, अगर स्टार्टिंग में 20 सेकंड्स होल्ड कर रहे हैं, 40 करें, 50 करें, इस तरह से 100 तक लेके जाएं। 100 काउंटिंग में एक ही पोजीशन में होल्ड रखेंगे तो आपको यहाँ पे खिंचाव फील होगा। एंड रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जो है आपको हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो हर एक्सरसाइज आपने स्किप नहीं करना है। लास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज, इस तरह से खड़े होते हुए अपने दोनों हैंड्स जो है ऐसे रखें, शोल्डर को बिल्कुल इरेक्ट करते हुए स्ट्रेच करें, होल्ड करें, एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए होल्ड करना है। एंड अपने लेग्स को कुछ डिस्टेंस में वाइड करें, वाइड करते हुए धीरे से जो है फॉरवर्ड बेंड करें एंड होल्ड बैक। इससे हमारा अपर बॉडी, स्टमक, एक्स्ट्रा थाइस फैट, लेग्स, फिर बॉडी का एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगा। 2 फास्ट करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and वापिस। नर्वस ब्रेथ, आप ये जब लास्ट वाला एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज, तो जितना हमारा हमें पसीना बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। तो आपने इस एक्सरसाइज के करना है 20-20 के जो 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड को कंप्लीट करना है। जितने ज्यादा सेट्स की टाइमिंग रहेंगे उतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। बट ये हेल्थ बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप एम्प्टी स्टमक इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। भरपेट करने से मींस ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बट उसमें आपको और भी ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर आप मीन्स विदिन, आप पहले ही दिन में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उसके सेट जो है टाइमिंग बढ़ाएं।
अच्छे अच्छे रिजल्ट देखें। एक्सरसाइजेस तो आप कर ही रहे हैं, बट इसके साथ जो है आपको हेल्दी टिप्स भी फॉलो करने हैं। मीन्स आपको हेल्दी डाइट लेना है, फाइबर एंड प्रोटीन से रिलेटेड ही आपका फूड होना चाहिए। आउटसाइड जितना भी फूड है उसको अवॉइड करें। अगर आप समोसा वगैरह खा रहे हैं तो प्लीज उसको अवॉइड करें, क्योंकि मेरे का जो बॉडी पॉस्चर समोसा की तरह ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आउटसाइड फूड को अवॉइड करें, घर का बना हुआ खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें, फाइबर एंड प्रोटीन से रिलेटेड फूड खाएं, अपने जो फूड में है फ्रूट्स को इंक्लूड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, और पानी जो है आपको 3 से 4 लीटर पीना है, चाहे उससे भी ज़्यादा आप पी सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा भी आप ले सकते हैं पानी का इंटेक। एंड कार्डियो एक्सरसाइजेस के लिए स्टेयर्स वर्कआउट करें जितना हो सके। थोड़ा लिफ्ट का जो यूज़ है उसको थोड़ा अवॉइड करें, अगर जरूरी है तभी यूज़ करें, अदरवाइज अवॉइड करें। वॉक जरूर करें, 1 से 2 घंटा वॉक जरूर करें। एंड खुश रहें, मोटिवेट रखें अपने आप को, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें एंड ध्यान जरूर करें। ध्यान करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड मेरे चैनल के साथ बने रहना है, स्किप नहीं करनी है कोई भी वीडियो। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करती हूँ या जब भी मैं लाइव आती हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, हर वीडियो आप देख पाएंगे। एंड मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जितना हो सके फैमिली फ्रेंड ग्रुप में आगे शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे एडवांस वेरिएशन के वीडियोज है, आप उनको जरूर देखें। एंड अगर आप अलग से योग का अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगी पोस्ट में। एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक इतना अच्छे से ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, बाय बाय।